हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ इस टाइम टू शाइन एंड आई एम मानसी। आज के वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ स्किन केयर रूटीन जो है वो शेयर करने वाली हूँ, जो मैं नाइट में अप्लाई करती हूँ। उसके आप रिजल्ट्स देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे हैं। और जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी इस क्रीम को बनाने के लिए, बहुत ही आपको इजी प्राइस में मार्केट में अवेलेबल होंगे। कोई भी बहुत ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। सो आप पूरा वीडियो देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो महंगी नाइट क्रीम वगैरह आती हैं, आपको वो परचेज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और आप उसको बिल्कुल भी कर सकते हैं एज़ यू विश, बट आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ, और फिर आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इसके रिजल्ट आपके लिए कैसे लगे, ठीक है। तो गाइज, जो नाइट केयर के जो मैं क्रीम बनाने वाली हूँ, उसके लिए जो सबसे पहला प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये एलोवेरा। आपको मैं पास दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये जो एलोवेरा जेल है, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। आपके घर पे अगर एलोवेरा लगा है तो आप उसको भी ले सकते हैं, बट मैं आपको यही प्रेफर करूँगी, कोई भी कंपनी हो बट आप एलोवेरा जो जेल है वो मार्केट का यूज़ करिए, क्योंकि इसकी जो थिकनेस होती है वो अच्छी होती है। और अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप, आपका घर पे अगर लगा हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो ये है गुलाब जेल, बहुत ही ईजी प्राइस पे। ये आई थिंक डाबर का है, और आप कोई और कंपनी का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये भी यूज़ कर सकते हैं एज़ यू विश, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ है वो है ये ग्लिसरीन। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ग्लिसरीन मैंने छोटी सी ली है, और क्योंकि जाड़े वगैरह चल रहे हैं तो ग्लिसरीन तो नॉर्मली घर पे अवेलेबल ही होती है, सो मैंने ये ग्लिसरीन ली है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, वो है, क्योंकि वो स्किन के लिए ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और आप इसको याद से ज़रूर डालिएगा, फिर आप अपने जो स्किन के हैं वो रिजल्ट्स भी देख सकते हैं आप, ठीक है। सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है ये विटामिन ई। विटामिन ई के जो कैप्सूल हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं फॉर स्किन, फॉर हेयर। सो आप इसको ज़रूर से डालिएगा, बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा। मार्केट से ले लीजिए, इजी प्राइस पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो गाइस, चलिए हम क्रीम को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो आपको एलोवेरा शो किया था उसको हम खोल लेते हैं, बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है। सो इसको हम लोग लेंगे एक टेबल स्पून, इतनी, ओके। तो गाइज, इस टाइप का हम कटोरी टाइप की ले लेंगे, या आपके घर पे जो भी अवेलेबल हो जार टाइप की उसमें ले लेंगे, और ये हम इसमें डाल देंगे एलोवेरा, ठीक है। इसको अच्छे से हम मैश कर देंगे। सो गाइज, यहाँ पर मिला रही हूँ 2 टेबल स्पून रोज़ वाटर, जो मैंने अभी आपको शो किया था। इसको हम अच्छे से मिला देंगे, और उसके बाद इसको अच्छे से एलोवेरा में हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ, देन हम इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन, जो मैंने अभी आपको शो की थी। ग्लिसरीन की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम रखेंगे, ये अप्रॉक्स आपका 1 टेबल स्पून ही रहेगा, और इसको भी हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन हम इसमें मिक्स करेंगे जो विटामिन ई कैप्सूल है, इसको तो मिक्स करना बिल्कुल मस्ट है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सो अभी मैं इसमें विटामिन ई जो कैप्सूल है वो भी मिक्स कर रही हूँ प्रॉपर वे में। इसको हम मिला लेंगे,
तो गाइस ये जो नाइट क्रीम है ये बनके तैयार है। मैंने आपको पूरा शो किया है कि आपको ये कैसे बनानी है, कितनी कितनी क्वांटिटी में क्या क्या डालना है। आप बिल्कुल मुझे ऐसे ही फॉलो करिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी और आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। आप इसको एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ी क्वांटिटी में ही बनाइए, अप्लाई कीजिए, उसके बाद मुझे रिजल्ट्स जो है ना वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ऑलमोस्ट ये बनके पूरी तैयार है। इसको नाइट में हम थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके और अपनी स्किन पे अप्लाई कर देंगे, जैसे हम लोग क्रीम वगैरह लगाते हैं, और उसके बाद अच्छे से सो जाएंगे। ठीक है। सो अभी इसको रखने के लिए हम क्या करेंगे, इस टाइप का कंटेनर ले लेंगे। सो इसमें हम इसको भर के रख देंगे, और फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मौसम है वह बहुत ही अच्छा है, ख़राब होने का कोई चांस नहीं है। आप इसको ज़्यादा टाइम तक बना के अगर रखना चाहते हैं तब आप इसको फ्रिज में रखिए, अदरवाइज़ आप इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही रूम में रख सकते हैं। सो अभी मैं इसको इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।